Hey guys, welcome to my channel Medicina 101. Today I'm gonna record a podcast for skeletal tissue. Skeletal tissue के बारे में detailed explanation हमारी NCERT में present नहीं है, but इसके basis पे NEET में questions पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत important हो जाता है इसे पढ़ के जाना, okay? और podcast मैं इसलिए बना रही हूँ, ये आपको last minute revision में help कर सकते हैं, मतलब करेंगे obviously, मतलब क्योंकि पूरा टॉपिक जो है मैं क्रिस्प करके यहाँ पे आधे घंटे या 15 मिनट्स के अंदर बता दूंगी, जिससे मतलब मोस्ट आउट ऑफ इट निकल पाए, ठीक है, लाइक दैट. अच्छा, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. स्केलेटल टिश्यू हमारे पास में कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है स्केलेटल टिश्यू, जिसके अंडर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, विच आर बोन एंड कार्टिलेज. बोन का स्ट्रक्चर अब हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है. अब जैसा कि आपको दिख रहा है पिक्चर में, बीच में जो शाफ्ट प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं डायाफाइसिस, एंड के जो पार्ट्स हैं उसे हम कहते हैं एपिफाइसिस, और एपिफाइसिस और डायाफाइसिस को जोड़ के रखने वाले पार्ट को हम कहते हैं मेटाफाइसिस, ओके. एपिफाइसिस को हम कहते हैं स्पॉन्जी बोन, और कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं हम डायाफाइसिस की बोन को, ठीक है. बीच की जो बोन है उसे हम कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन, जो साइड साइड की बोन्स हैं उसे हम कहते हैं स्पॉन्जी बोन्स. अब स्पॉन्जी बोन हम उसको उसके टेक्सचर के बेसिस पे नहीं कहते हैं, वो बोन है तो हार्ड और मतलब हार्डी होगी वो अच्छी तरह से, उसको हम स्पॉन्जी बोन इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसमें ट्रबैक्यूला प्रेजेंट होता है. ट्रबैक्यूला यानी कि जैसे पिक्चर में दिख रहा है, मतलब वो है ही ट्रबैक्यूला, पिक्चर बोन की ही है, असली बोन की. वो हमारे पास एक लाइक दिख रहा है ना, वो जाल जैसा दिख रहा है आपको, तो उसे हम कहते हैं ट्रबैक्यूला. और स्पॉन्जी बोन का ही अनदर नेम है ट्रबैक्यूलर बोन, ठीक है, उसके बेसिस पे हम उसे कहते हैं स्पॉन्जी बोन. यहाँ पर हमारे पास में रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है, और कॉम्पैक्ट बोन में हमारे पास येलो बोन मैरो प्रेजेंट होता है, ओके. अब एपिफाइसिस, यहाँ जो एपिफाइसिस है उसके ऊपर एक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं आर्टिक्यूलर कार्टिलेज, ठीक है. आर्टिक्यूलर कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट है? एपिफाइसिस के ऊपर, बट डायाफाइसिस के ऊपर ये प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है. अब हमारे पास जो डायाफाइसिस है उसके अंदर एक स्मॉल होल प्रेजेंट होता है, जहाँ से हमारे पास में नर्व्स एंड ऑल ब्लड वेसल जो है एंटर करती हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट फोरामेन, ठीक. वहाँ से हमारे पास में अब ऑब्वियसली बोन्स को भी तो ब्लड वेसल्स एंड ऑल सब न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल चाहिए, ठीक है. तो वहाँ से जो है बोन्स में न्यूट्रिएंट्स और जो है ब्लड वगैरह वो एंटर करता है, ठीक है. यहाँ पे हमारी चीज़ें हो गई हैं. अब कॉम्पैक्ट बोन में हमारे पास में येलो बोन मैरो प्रेजेंट था, और स्पॉन्जी बोन में हमारे पास में रेड बोन मैरो प्रेजेंट था, ठीक है. अब एक छोटा बच्चा, एक इन्फेंट या फिर एक 5 ईयर्स का छोटा बच्चा जो है, उसके अंदर पूरी बोन में, मतलब येलो बोन मैरो वाली प्लेस पर भी उसके अंदर रेड बोन मैरो ही प्रेजेंट होता है बचपन में, ठीक है, सबके अंदर. बट जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है, हमारा जो है येलो बोन मैरो जो है एक्टिवेट होता जाता है, बीच बीच से स्टार्ट करता है वो. तो बीच में एक एडल्ट का अगर हम बोन का स्ट्रक्चर देखें, तो बीच में हमारे पास येलो बोन मैरो प्रेजेंट होगा, और साइड साइड में हमारे पास में रेड बोन मैरो रह जाएगा, ठीक है. कॉम्पैक्ट बोन को हम डेंस बोन भी कहते हैं, ठीक है, और स्पॉन्जी बोन को हम कैंसिलस बोन या फिर ट्रबैक्यूलर बोन भी कहते हैं. ट्रबैक्यूलर बोन इसलिए कहते हैं उसके क्योंकि जो जाल जैसा स्ट्रक्चर था, स्पॉन्ज जैसा जो स्ट्रक्चर था, उस बोन को हम, उस टाइप के अरेंजमेंट को बोन के हम कहते हैं ट्रबैक्यूला, ठीक है. अब हम बात करेंगे कॉम्पैक्ट बोन के बारे में, ठीक है. अब कॉम्पैक्ट बोन का जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे हम कहते हैं पेरीऑस्टियम, ठीक है. पेरी यानी कि पेरीफेरी में प्रेजेंट है वो, और वहाँ ऑस्टियम यानी कि बोन से रिलेटेड है, तो उसे हम बोल देंगे ऑस्टियम, ठीक है. पेरीऑस्टियम जो है आउटर मोस्ट लेयर है, जिसके अंडर दो चीज़ें आती हैं, ऑस्टियोब्लास्ट और कोलाजन फाइबर्स. ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं, बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, इन्हें हम बोन फॉर्मिंग सेल्स भी कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट को, ठीक है. और उसके बाहर में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं कोलाजन फाइबर्स, ठीक है. और अंदर इनर मोस्ट रीजन जो है उसे हम कहते हैं एंडोस्टियम, ठीक है. क्या कहते हैं उसे हम? एंडोस्टियम. बीच में, इन दोनों एरियाज के बीच में हमारे पास में प्रेजेंट होते हैं ऑस्टियोसाइट्स. वो स्टार शेप्ड कह लो, या फिर जैसे एक न्यूरॉन होता है उसका जो साइटॉन होता है, न्यूरॉन का साइटॉन होता है, उसके जैसे डेंड्राइट्स निकले होते हैं ना,
वैसा ही साइटोन जैसा स्ट्रक्चर होता है हमारे ऑस्टियोसाइट्स का, ठीक है। और ये हमारे पास क्या करते हैं, बोन्स के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करके रखते हैं, तो इसलिए हम इसे हम कहते हैं बोन मेंटेनिंग सेल्स। ऑस्टियोब्लास्ट्स होते हैं हमारे पास में बोन फॉर्मिंग सेल्स, ऑस्टियोसाइट्स होते हैं हमारे पास में बोन मेंटेनिंग सेल्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लैमिले की। लैमिले क्या होता है, द मैट्रिक्स ऑफ बोन इज अरेंज्ड इन लेयर्स नोन एज लैमिले। मतलब जो मैट्रिक्स है बोन का, जो एरिया है, जो साइटोप्लाज्म टाइप्स, जो उसका बीच का एरिया है, वो लेयर्स की फॉर्म में अरेंज्ड होता है। जैसे आपको पिक्चर्स वगैरह में बोन्स की दिखता ही है, वो लेयर्स की फॉर्म में अरेंज होता है, उसे हम कहते हैं लैमिला, ठीक है। ऑस्टियोसाइट्स ही जो हैं वो ही लेयर्स की फॉर्म में, फिर ऑब्वियसली उनको भी वो बीच के सेल्स हैं वो लैमिला के बीच में प्रेजेंट हैं, तो उसी को उनको भी तो हमारे पास लेयर्स या कंसेंट्रिक रिंग्स के फॉर्म में प्रेजेंट होना पड़ेगा, ठीक है। तो वो वैसे ही प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे बोन में, ठीक है। अब जो लैक्यूने है, लैक्यूने क्या होता है, हमारे पास स्मॉल स्पेसेस बिटवीन लैमिले कॉल्ड दैट कंटेन मेच्योर बोन सेल्स। जो ऑस्टियोसाइट्स होते हैं ना, वो मेच्योर बोन सेल्स होते हैं हमारे पास में, ठीक है। ऑस्टियोसाइट्स आर द मेच्योर बोन सेल्स जो फर्दर डिवीजन नहीं शो करते, जो फर्दर डिफ्रेंसीशन या डिवीजन शो नहीं करते हैं। अब हमारे पास लैमिले के अंदर फ्लूड फिल्ड स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं, जिसके अंदर ऑस्टियोसाइट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फ्लूड फिल्ड स्पेस जिसके अंदर ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट हैं, उसे हम कहते हैं लैक्यूने, और लैक्यूने कहाँ प्रेजेंट है, लैमिले में, ठीक है। अब जो जैसे मैंने बताया था कि ऑस्टियोसाइट्स का वो डेंड्राइट्स टाइप की ब्रांचेस निकली होती है, ठीक है। अब उन ब्रांचेस को भी तो कोई फ्लूड फिल्ड स्पेस कवर कर रही होगी, उसे हम कहते हैं कनालिक्यूलाए। लैक्यूने हैज़ चैनल्स विच कवर द फाइलोपोडिया। फाइलोपोडिया उन ब्रांचेस को कहते हैं, ऑस्टियोसाइट्स की ब्रांचेस को हम कहते हैं फाइलोपोडिया, ठीक है। जिन डेंड्राइट्स की मैं बात कर रही थी, मतलब, ठीक है, उसे हम कहते हैं फाइलोपोडिया। और फाइलोपोडिया को कवर कौन करता है, उसके अराउंड जो स्पेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, कनालिक्यूलाए, ठीक है। अब कनालिक्यूलाए का फंक्शन क्या है, कनालिक्यूलाए दे प्रोवाइड रूट्स फॉर न्यूट्रिएंट्स To reach osteocytes and for wastes to leave, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास फाइलोपोडिया है ना osteocytes के, वो एक osteocyte को दूसरे osteocytes साइट के साथ कनेक्ट करने का काम भी करते हैं, ठीक है। बहुत लंबे लंबे से होते हैं ये। अब हम बात करेंगे osteon यानी कि Haversian system की। हेवर्शियन सिस्टम को हम ऑस्टियन कहते हैं, हेवर्शियन कैनाल को हम ऑस्टियन नहीं कहते, ठीक है। ऑस्टियन के अंडर यानी कि हेवर्शियन सिस्टम के अंडर दो चीज़ें आती हैं, हेवर्शियन लेमिला और दूसरी हेवर्शियन कैनाल, ठीक है। हेवर्शियन कैनाल क्या होते हैं, एक सेंट्रल कैनाल होती है हमारे पास में, वर्टिकली अरेंज्ड, मैमल्स के अंदर ही होती है सिर्फ, ठीक है। सेंट्रल कैनाल प्रेजेंट वर्टिकली इन लॉन्ग बोन्स ऑफ मैमल्स, लॉन्ग बोन्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। मतलब कि स्पॉन्जी बोन में नहीं होगी, ये स्पॉन्जी बोन में प्रेजेंट नहीं होती, बीच की जो कॉम्पैक्ट बोन है वहाँ पर हमारे पास में हेवर्शियन कैनाल प्रेजेंट होती है। सेंट्रल कैनाल प्रेजेंट वर्टिकली इन लॉन्ग बोन्स ऑफ मैमल्स ओनली विच कंटेन ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, उसे हम क्या कहते हैं, हेवर्शियन कैनाल, ठीक है। अब दो हेवर्शियन कैनाल्स को ज्वाइन करने वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं वॉल्कमैन्स कैनाल, ठीक है। क्या कहते हैं उसे हम, वॉल्कमैन्स कैनाल। दो हेवर्शियन कैनाल्स को एक हॉरिजेंटल कैनाल ज्वाइन करती है, उसे हम कहते हैं वॉल्कमैन्स कैनाल, ओके। अब हेवर्शियन कैनाल हमारे पास में स्पॉन्जी बोन में प्रेजेंट नहीं होती, यानी कि पूरा ऑस्टियन हमारे पास में स्पॉन्जी बोन में प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। हेवर्शियन सिस्टम ही प्रेजेंट नहीं होता वहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं कुछ कॉम्पोजिशन ऑफ बोन की, तो इसमें प्रोटीन जो है उसका नाम होता है ओसीन प्रोटीन प्रेजेंट होता है हमारे पास में बोन के अंदर, ठीक है। जो मतलब बोन की जो जो भी चीज़ें हैं उसको OS से स्टार्ट हो रही हैं, वो मतलब होती हैं वो, ठीक है। जैसे ऑस्टियोसाइट हो गया, ऑस्टियन हो गया, लाइक दैट, ठीक है। तो जो प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट है वो क्या है, ओसीन प्रोटीन, ठीक है। अब 50% बोन में क्रिस्टलाइज्ड मिनरल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, 25% कोलाजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, और 25% वाटर भी प्रेजेंट होता है। ऑसियस टिश्यू, इस टिश्यू जो बोन का टिश्यू है उसे हम क्या कहते हैं, ऑसियस टिश्यू कंटेनिंग एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी हमारे पास में बोन में प्रेजेंट होता है।
अब जो मैंने मिनरल सॉल्ट्स की बात की थी उसमें से सबसे ज़्यादा सबसे अबंडेंट मिनरल कौन सा है? कैल्शियम फॉस्फेट। अब ऑब्वियसली बोन में कैल्शियम तो होगा ही, ठीक है। तो कैल्शियम फॉस्फेट यानी कि Ca3PO42 जो है प्रेजेंट होता है हमारे पास में बहुत ज़्यादा मात्रा में बोन में, ठीक है। इट फॉर्म्स हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स इन द बोन। कौन फॉर्म करता है? कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट जो मिनरल सॉल्ट्स हैं वो हमारे पास में क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स बनाते हैं बोन के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन, ठीक है। बोन की जो हार्डनेस है वो डिपेंड करती है क्रिस्टलाइज्ड और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स पे। अब क्रिस्टलाइज्ड इनऑर्गेनिक सॉल्ट में क्या आ गया था हमारे पास में? Ca3PO42 यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में तो वही प्रेजेंट है मेजॉरिटी में, ठीक है। तो बोन की हार्डनेस जो है वो उस पे डिपेंड करती है, और बोन की फ्लेक्सिबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? कोलेजन फाइबर्स पे, ठीक है। कोलेजन फाइबर्स पे हमारे पास में बोन की फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड करती है, और बोन हार्डनेस किस पे डिपेंड करती है? क्रिस्टलाइज्ड इन ऑर्गेनिक सॉल्ट्स पे, ठीक है। अच्छा, तो हमने वो पहले क्या बात की थी? ऑस्टियोब्लाइट्स को हम क्या ब्लास्ट को ब्लाइट्स ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोब्लाइट्स का मिक्सचर। अच्छा, ऑस्टियोब्लास्ट्स को हम कहते हैं बोन फॉर्मिंग सेल्स, ऑस्टियोसाइट्स को हम कहते हैं बोन मेंटेनिंग सेल्स, ओके। अच्छा, अब इन्हीं सेल्स की हम बात करें अगर, तो हमारे पास में प्रेजेंट होते हैं ऑस्टियोजेनिक सेल्स, ठीक है। ऑस्टियोजेनिक सेल्स जो हैं वो अनस्पेशलाइज्ड होते हैं, वो मेसेनकाइमा से डिराइव होते हैं। वो सेल डिवीज़न उनमें हो सकती है क्योंकि अभी वो अनस्पेशलाइज्ड हैं, वो सेल डिवीज़न भी कर सकते हैं, अपने आप को स्पेशलाइज फॉर्म में भी ले जा सकते हैं, ठीक है, सब कुछ वो कर सकते हैं। पर वो उनका स्ट्रक्चर जो है अमीबा की तरह होता है, पता है, मतलब इररेगुलर, ठीक है। ऑस्टियोजेनिक सेल्स की बात कर रही हूँ मैं। और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं हमारे पास में? इनर पोर्शन ऑफ पेरिओस्टियम, इन द एंडोस्टियम और हेवर्शियन कैनाल्स में भी हमारे पास में ऑस्टियोजेनिक सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ऑस्टियोजेनिक सेल्स जो हैं वो करते हैं डेवलप किस में? ऑस्टियोब्लास्ट सेल में, मतलब वो अपनी फॉर्म को चेंज करते हैं और क्या बना देते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, ठीक है। अब जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं वो सैक लाइक होते हैं अपीयरेंस में, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हमारे पास क्या थे? बोन फॉर्मिंग सेल्स, ठीक है, और वो सैक लाइक होते हैं अपीयरेंस में, और इनको हम बोन बिल्डिंग सेल्स भी कहते हैं। और क्या करते हैं ये सिंथेसाइज करते हैं और सिक्रीट करते हैं कोलेजन फाइबर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑस्टियोब्लास्ट के बारे में, ऑस्टियोब्लास्ट्स सिंथेसाइज एंड सिक्रीट कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑस्टियोसाइट्स के बारे में। जो ऑस्टियोब्लास्ट्स हैं ना वही हमारे पास डेवलप होकर ऑस्टियोसाइट्स बना सकते हैं। ऑस्टियोजेनिक से ऑस्टियोब्लास्ट्स, मैं ब्लाइट्स क्यों बोल रही हूँ बार बार, लीव। ऑस्टियोजेनिक से ऑस्टियोब्लास्ट्स और ऑस्टियोब्लास्ट से हमारे पास बनता है ऑस्टियोसाइट, ठीक है। और ये क्या करते हैं? बोन को मेंटेन करके रखते हैं, बोन का मेटाबॉलिज्म जो है उसे मेंटेन करके रखते हैं। और ये मैच्योर बोन सेल्स होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, ये फर्दर डिविजन नहीं करते, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑस्टियोक्लास्ट्स की, वो भी एक टाइप के सेल्स होते हैं जो बोन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन्हें हम बहुत सारे नामों से पुकारते हैं, जैसे आ गया इनका बोन रिपेयरिंग सेल्स, बोन डिसॉल्विंग सेल्स, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स, ठीक है। तीन तीन नाम हैं इनके, बोन रिपेयरिंग सेल्स, बोन डिसॉल्विंग सेल्स और बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स, तीन नाम, ओके। अब इनका स्ट्रक्चर कैसा है? इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका रफल्ड बॉर्डर है, ठीक है। उसका क्या है? रफल्ड बॉर्डर है, मतलब वो वेवी टाइप का बॉर्डर होता है ना, जैसे, ठीक है, जैसे वो स्कर्ट होती है, मतलब लेयर लेयर वाली, मतलब वैसा ही इनका अजीब सा कुछ रफल्ड बॉर्डर होता है, ठीक है। और ये हमारे पास में पावरफुल लाइसोसोमल एंजाइम्स जो हैं बनाते हैं, जो बोन की रिजॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। अगर बोन को कोई इन्फेक्शन हो जाए या बोन कहीं से ख़राब हो जाए सॉरी, ये उसकी रिजॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हम कोई बात नहीं करेंगे, अब हम करेंगे रिविजन, ठीक है।
अच्छा, तो बोन के तीन पार्ट्स थे, डायाफाइसिस, मेटाफाइसिस और एपिफाइसिस। एपिफाइसिस था जो लास्ट में स्पॉन्जी बोन को बोलते हैं हम एपिफाइसिस, बीच की कॉम्पैक्ट बोन को हम कहते हैं डायाफाइसिस, जो शाफ्ट होता है बोन का, ठीक है। और डायाफाइसिस और एपिफाइसिस को जो ज्वाइन करता है उसे हम क्या कहते हैं, मेटाफाइसिस। डायाफाइसिस में हमारे पास में येलो बोन मैरो प्रेजेंट होता है, ठीक है, और हमारे पास में स्पॉन्जी बोन में कौन प्रेजेंट होता है, रेड बोन मैरो, ठीक है। एपिफाइसिस को हमारे पास जो है कवर करके रखता है आर्टिक्यूलर कार्टिलेज, सिर्फ एपिफाइसिस को ही कवर करता है वो, और किसी पोर्शन को कवर नहीं करता बोन के, ठीक है। बच्चों में हमारे पास में पहले पूरी बोन में रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है, और उसके बाद में एज के साथ साथ येलो बोन मैरो जो है वो डेवलप करना शुरू हो जाता है, ठीक है। स्पॉन्जी बोन को हम कैंसलस बोन और ट्रबैक्यूलर बोन भी कहते हैं, क्योंकि उसका जाल टाइप का अपेयरेंस होता है, और कॉम्पैक्ट बोन को हम डेंस बोन भी कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में हम उसके सेल्स के बारे में बात कर रहे थे, कॉम्पैक्ट बोन का इंटरनल स्ट्रक्चर हम देख रहे थे। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या है, पेरिओस्टियम, एंड इनर मोस्ट लेयर क्या है, एंडोस्टियम, ठीक है। पेरिओस्टियम के पास दो दो जो हैं कंपोनेंट्स हैं पेरिओस्टियम के, वो हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स और कोलाजिन फाइबर्स। बाहर में हमारे पास में कोलाजिन फाइबर्स प्रेजेंट है, उसके अंदर जो सेल्स हैं जो वो लेयर बनाते हैं आउटर मोस्ट, उसे हम कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जो हैं हमारे पास में बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं, ऑस्टियोसाइट्स जो हैं वो हमारे पास में बोन मेंटेनिंग सेल्स हैं, ठीक है। अब ऑस्टियोसाइट्स की अगर हम बात करें तो वो जैसे न्यूक्लियर, क्या बोलते हैं उसको, न्यूरॉन जो होता है उसके साइटॉन की तरह दिखते हैं, उसके ब्रांचेस भी होती हैं डेंड्राइट्स टाइप की, ठीक है। और उन ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं, फाइलोपोडिया, ठीक है। और फाइलोपोडिया को, अच्छा नहीं, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, सुन। अब ऑस्टियोसाइट्स को जैसे वो अरेंज किस फॉर्म में होते हैं, लेमिला में वो अरेंज्ड होते हैं। लेमिला क्या है, द मैट्रिक्स ऑफ बोन इज अरेंज्ड इन लेयर्स नोन एज लेमिला। उन लेयर्स को, मैट्रिक्स जो जिस लेयर्स में, उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं लेमिला, ठीक है। अब लैक्यूना क्या है, लैक्यूने क्या है, शिट, लेमिला के अंदर लैक्यूने प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास में ऑस्टियोसाइट्स जो है, ऑस्टियोसाइट्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लैक्यूने हमारे पास में फ्लूड फिल्ड है, फ्लूड फिल्ड स्पेस को हम कहते हैं लैक्यूना। और ऑस्टियोसाइट्स की जो ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस का नाम क्या था, फाइलोपोडिया, फाइलोपोडिया को जो कवर करके रखता है लैक्यूने का ही स्ट्रक्चर, उसे हम क्या कहते हैं, कनालिक्यूलाए, ठीक है। अब इसमें बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है, लेमिले क्या है, मैट्रिक्स ऑफ बोन अरेंज्ड इन लेयर्स, और लैक्यूने क्या है, फ्लूड फिल स्पेसेस अराउंड ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। और कनालिक्यूलाए क्या है, ऑस्टियोसाइट्स के जो फाइलोपोडिया निकल रहे हैं उसको जो कवर करके रख रहा है लैक्यूने का पार्ट, उसे हम क्या कहते हैं, कनालिक्यूलाए, ठीक है। कनालिक्यूलाए क्या करता है, वो रूट्स फॉर न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको रूट प्रोवाइड करता है कि आप मेरे अंदर आओ, मतलब क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइट्स के अंदर आओ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें ऑस्टियन की, ऑस्टियन यानी कि हेवर्शियन सिस्टम, हेवर्शियन सिस्टम जो है हमारे पास सिर्फ लॉन्ग बोन्स ऑफ मैमल्स में ही प्रेजेंट है, ठीक है। सिर्फ मैमल्स में ही हमारे पास हेवर्शियन कैनाल, हेवर्शियन सिस्टम दिखता है, ठीक है। अब हेवर्शियन कैनाल क्या है, हमारे पास में वर्टिकली एक सेंट्रल कैनाल प्रेजेंट है लॉन्ग बोन्स में, जिसके अंदर क्या है, ब्लड वेसल्स और नर्व्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब उनको, दो हेवर्शियन कैनाल्स को एक हॉरिजेंटल कैनाल ज्वाइन करके रखती है, जिसका नाम है वॉल्कमैन्स कैनाल, ठीक है। अब हेवर्शियन सिस्टम के दो पार्ट्स थे, हेवर्शियन कैनाल और हेवर्शियन लेमिले, ठीक है। तो अब हेवर्शियन सिस्टम जैसे मैंने बताया था पहले स्पॉन्जी बोन में भी प्रेजेंट नहीं होता है, अभी हम पूरे टाइम से कॉम्पैक्ट बोन की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि स्पॉन्जी बोन में इतना कुछ है ही नहीं, बस ट्रबैक्यूला है और उसके अंदर रेड बोन मैरो है, दैट्स इट। उसके बाद अगर हम बात करें कॉम्पोजिशन ऑफ बोन की, ओसीन प्रोटीन प्रेजेंट है, 50% क्रिस्टलाइज मिनरल साल्ट प्रेजेंट है, जिसमें से सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या है, Ca3PO42 यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट, 25% हमारे पास कोलाजिन फाइबर्स प्रेजेंट हैं, 25% वाटर प्रेजेंट है, और ऑसियस टिश्यू प्रेजेंट है कंटेनिंग एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब जो हमारे पास में कैल्शियम फॉस्फेट है वो हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्रिस्टल्स फॉर्म करता है बोन के अंदर, ओके। अब हम बात करेंगे बोन हार्डनेस किस पे डिपेंड करती है, क्रिस्टलाइज्ड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स पे। बोन फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड करती है किस पे, कोलाजिन फाइबर्स पे। बोन की फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड करती है कोलाजिन फाइबर्स पे, और हार्डनेस किस पे डिपेंड करती है, क्रिस्टलाइज्ड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स पे, ठीक है।
अब हम उन सेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं ऑस्टियोजेनिक सेल्स। ऑस्टियोजेनिक सेल्स से हमारे पास बनता है ऑस्टियोब्लास्ट्स। ऑस्टियोब्लास्ट से बनते हैं ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। ऑस्टियोजेनिक सेल्स जो हैं वो अनस्पेशलाइज्ड हैं, उनके अंदर डिवीजन हो सकती है, मेसेनकाइमा से डिराइव्ड हैं, ठीक है। और पेरिओस्टियम, एंडोस्टियम और एफर्शियन ग्लांस हर जगह ही प्रेजेंट होते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट की बात करें तो वो क्या करते हैं, बोन फॉर्मिंग सेल्स हम उसे कहते हैं, बोन बिल्डिंग सेल्स हम उसे कहते हैं, और वो सबसे मेन काम सिंथेसाइज करते हैं, सेक्रीट करते हैं कोलाजिन फाइबर्स को, और पेरिओस्टियम की लेयर में यही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ऑस्टियोसाइट्स की बात करें तो वो हैं हमारे पास में मैच्योर बोन सेल्स, उसके आगे डिवीजन नहीं होती और वो मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने का काम करते हैं। अब एक और टाइप के सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, उसका नाम है ऑस्टियोक्लास्ट्स। ऑस्टियोक्लास्ट क्या है हमारे पास, बोन रिपेयरिंग सेल, बोन डिजॉल्विंग सेल्स, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स, कुछ भी कह लो, वो होते हैं हमारे पास में ऑस्टियोक्लास्ट्स, जिनके पास जो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो रफल्ड बॉर्डर होता है उसका, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बॉर्डर जो है वो रफल्ड होता है, रफल्ड यानी कि वेवी अपेयरेंस होती है। अब हमारे पास जो ऑस्टियोक्लास्ट हैं वो मतलब बनाते हैं लाइसोसोमल एंजाइम्स, जो कि बोन की रिजॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो लेमिले हैं, वो भी हमारे पास में तीन टाइप का होता है, हेवर्शियन, इंटरस्टिशियल और सर्कमफेरेंशियल। हेवर्शियन लेमिला वो होता है जो मतलब बाहर बाहर में पेरिओस्टियम के पास में बिल्कुल सीधा होता है लेमिला, ठीक है। लेयर्स तो होती हैं बट वो कंसेंट्रिक रिंग टाइप की नहीं होती, ठीक है, उसे हम कहते हैं हेवर्शियन। जो बीच में आता है उसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल, और जो सर्कमफेरेंशियल यानी कि सर्कुलर लेयर्स बना देना, ठीक है। अब हम बात करेंगे कार्टिलेज के बारे में, ओके। कार्टिलेज हमारे पास में क्या है, कोलाजिन फाइबर्स और इलास्टिन फाइबर्स से बना हुआ है, ठीक है। जेली लाइक कॉन्ड्रोइटिन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जेली लाइक कॉन्ड्रोइटिन प्रेजेंट होता है कार्टिलेज के अंदर, ओके। उसके बाद में पेरिकॉन्ड्रियन यानी कि इसकी आउटर लेयर जो है उसे हम क्या कहते हैं, पेरिकॉन्ड्रियन, वहाँ पे हम क्या कहते थे और आउटर लेयर को पेरिओस्टियम, ठीक है। पेरिकॉन्ड्रियम में हमारे पास में दो चीज़ें प्रेजेंट हैं, दो लेयर्स प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं आउटर फाइब्रस लेयर और इनर सेलुलर लेयर। आउटर फाइब्रस लेयर में हमारे पास क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स और फाइब्रोब्लास्ट और कोलाजिन फाइबर्स प्रेजेंट है। कौन कौन, कोलाजिन फाइबर्स, ब्लड वेसल्स और फाइब्रोब्लास्ट्स। ब्लड वेसल्स कार्टिलेज में सिर्फ और सिर्फ आउटर फाइब्रस टिश्यू में ही, आउटर फाइब्रस लेयर में ही प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और कहीं पर भी कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती, इसीलिए कार्टिलेज का जो रिपेयर होता है, अगर कहीं कार्टिलेज में लग जाए मतलब कोई इंजरी हो जाए तो वो इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पाती। जैसे वो करवाते हैं ना मतलब ईयर्स, जब कान जब सिलवाते हैं लाइक ईयरिंग डालने के लिए, तो किसी किसी को अगर वहाँ पे कुछ इंजरी टाइप्स हो जाए तो वो 6-6 महीने तक रहती है, मतलब 1-1 साल तक रहती है वो, मतलब बहुत देर तक रहती है, ठीक है। वो बहुत जल्दी रिपेयर नहीं हो पाती क्योंकि उनके अंदर ब्लड वेसल्स ही नहीं है, कुछ मतलब ऐसा है ही नहीं कि वो उनको रिपेयर होने में जल्दी जल्दी हो पाए वो, ठीक है। अब उसके बाद आती है हमारे पास में इनर सेलुलर लेयर। इनर सेलुलर लेयर में हमारे पास क्या क्या आता है, मतलब क्या क्या आता है, क्या ये हेल्प करती है हमारे कार्टिलेज को ग्रोथ में, ठीक है। जैसे वहाँ पर हमारे पास में ऑस्टियोब्लास्ट्स थे और वो बोन फॉर्मिंग सेल्स थे, ये क्या है, ग्रोथ में हेल्प करते हैं किसकी, कार्टिलेज की, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ब्लड वेसल्स नहीं प्रेजेंट होती। अब कार्टिलेज के जो मैच्योर सेल्स हैं उसे हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। वहाँ पे क्या थे, ऑस्टियोसाइट्स मैच्योर सेल्स, यहाँ पे हैं कॉन्ड्रोसाइट्स मैच्योर सेल्स, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पेरिकॉन्ड्रियम में आउटर फाइब्रस लेयर में ही हमारे पास ब्लड वेसल्स और नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। इस लाइन को बहुत मतलब बिठा लो अपने दिमाग में, ठीक है। अब कार्टिलेज जो है उसके अंदर ब्लड वेसल्स क्यों नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वो एक मतलब एंटी एंजियोजेनेसिस फैक्टर रिलीज करता है, ठीक है, जो है ब्लड वेसल्स की ग्रोथ को प्रिवेंट करके रखता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में हाँ, कार्टिलेजेस जब हम बात कर रहे हैं तो उसके तीन तीन टाइप्स भी हैं, वो हैं हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है। हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज जो है दैट इज़ मोस्ट एबंडेंट कार्टिलेज इन द बॉडी, ठीक है। ब्लूइश वाइट कलर का होता है वो,
फाइन कोलाजिन फाइबर से वो बना हुआ होता है, जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है और वो शॉक एब्जॉर्बिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। और वो वीकेस्ट कार्टिलेज होता है, मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज होता है हमारे पास में फाइब्रो कार्टिलेज, और सबसे ज़्यादा वीकेस्ट कार्टिलेज होता है हमारे पास हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। उसके बाद वो हमारे लॉन्ग बोन्स में बनता है, मतलब ठीक है, एंड्स में प्रेजेंट होता है वो। उसके बाद दैट इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोजेनिक फीटल सिस्टम। एम्ब्रियोजेनिक फीटल सिस्टम में भी ये हाइलिन कार्टिलेज ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करें, मतलब एम्ब्रियोजेनिक बच्चे में जो है सिर्फ और सिर्फ हाइलिन कार्टिलेज ही उस टाइम पे प्रेजेंट होता है और वो वीकेस्ट होता है, ऑब्वियसली वही प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम फाइब्रो कार्टिलेज के बारे में। वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है और उसके अंदर पेरिकॉन्ड्रियन प्रेजेंट नहीं होता, उसके अंदर मतलब ब्लड सप्लाई थोड़ा सा भी नहीं होता, जो पेरिकॉन्ड्रियन की वजह से थोड़ा सा हो रहा था बाहर बाहर में वो भी नहीं होता, ठीक है। और ये वर्टिब्रल कॉलम में इंटरवर्टिब्रल डिस्क को कनेक्ट करते रखता है एक दूसरे से, जो हमें पता है। और प्यूबिक सिम्फाइसिस में भी ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट है बट फिर भी ये प्यूबिक सिम्फाइसिस में प्रेजेंट होता है, और जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है तो प्यूबिक सिम्फाइसिस ही जो है डायलेट करता है, ठीक है। और नी जॉइंट में भी हमारे पास में फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। अब बात करेंगे हम इलास्टिक कार्टिलेज के बारे में। यहाँ पे पेरिकॉन्ड्रियन प्रेजेंट होता है, ये पिन्ना के ऑरिकल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ऑरिकल ऑफ पिन्ना में ये प्रेजेंट होता है, ऑडिटरी केनाल में प्रेजेंट होता है, और कार्टिलेज ऑफ लेरिंग्स में भी हमारे पास में इलास्टिक कार्टिलेज ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब मैमल्स जो हैं उनका, उनके पिन्ना का ऑरिकल जो है वो उनका करेक्टरिस्टिक फीचर है, सिर्फ मैमल्स में पाया जाता है ऑरिकल, ठीक है। अब एक अच्छी सी नॉलेज, जो एम्ब्रियो है उसमें 8th वीक तक, ठीक है, जो अभी मतलब ममा के अंदर ही है जो बच्चा, उसके अंदर एम्ब्रियो जो है, मतलब एम्ब्रियो उसमें 8th वीक तक कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और फीटस में 9th वीक से, मतलब 9th मंथ तक, 9th वीक से 9th मंथ तक हमारे पास में बोनी एंडोस्केलेटन डेवलप करना शुरू हो गया होता है, ठीक है। इसीलिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है बाद में, इसीलिए बोलते हैं जल्दी जल्दी करवा लो अगर करवानी है तो, ठीक है। ओके, तो दैट्स ऑल। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप प्लीज़ ज्वाइन कर लो, वहाँ पे हम रोज़ क्वेश्चंस डालते हैं अच्छे अच्छे, और लिंक आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। ओके, बाय बाय।